नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप फिल्म विंडो देख रहे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस का बेहद फेमस सीरियल अनुपमा के बारे में। वे दोस्तों, अनुपमा, श्रुति और अनुज तीनों से ही रिलेटेड एक ऐसी शॉकिंग न्यूज में लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे। आखिरकार क्या है वो न्यूज, देखिए। अब श्रुति के हाथ में लगा है अनुज कपाड़िया की डायरी। जी हाँ, वही डायरी जिसमें अनुज कपाड़िया अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, क्योंकि अनुज कपाड़िया के पास अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे में अनुज कपाड़िया जो है उस डायरी में अपनी फीलिंग्स को लिख देते हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि उस डायरी को पढ़ लिया है श्रुति ने, उसके बाद श्रुति जो है वो खुद को आत्महत्या करने पर उतारू हो गई है। आखिरकार उस डायरी में ऐसा क्या था जो पढ़ने के बाद श्रुति आत्महत्या करना चाहती थी। दरअसल उस डायरी में अनुज कपाड़िया ने लिखा था कि वो श्रुति से शादी के लिए हाँ तो कह दिया है, लेकिन उसका मन आज भी अनुपमा के पास है। वो आज भी अनुपमा से ही प्यार करता है, क्योंकि उसने अनुपमा का 25 सालों तक इंतजार किया है। उसके बाद जाकर उसकी अनुपमा मिली, लेकिन उसकी बदनसीबी कि अनुपमा उसे छोड़कर चली गई। जी हाँ, उस डायरी में अनुज कपाड़िया ने और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, जिसको पढ़ने के बाद श्रुति जो है वो शॉक हो गई है और श्रुति जो है आत्महत्या करने पे उतारू हो गई है। श्रुति का कहना है कि अगर मैं अनुज की नहीं हो सकती तो मैं इस दुनिया में किसी की नहीं बनूंगी। और जब उनकी शादी की डेट इतनी करीब है, जब उनकी शादी इतनी करीब है और इस दौरान अगर कोई भी दुल्हन अपने दूल्हे के बारे में ऐसी बातें पढ़ती हैं और ये चाहती है कि वो उससे शादी तो कर रहा है लेकिन आकर प्रेशर में कर रहा है, क्योंकि उस डायरी में भी यही लिखा हुआ रह रहा है जिसमें अनुज ने लिखा है कि वो श्रुति के लिए शादी के लिए हाँ तो किया, लेकिन उसके मन से अभी भी हाँ नहीं है। वो पूरे मन से अभी भी अनुपमा को ही प्यार करता है और उसका मन अब भी ये हो रहा है कि वो श्रुति से शादी नहीं करे। कुछ ऐसा मिराकल हो जाए जिससे कि वो श्रुति से शादी नहीं करे। आपको बता दें बैकग्राउंड कि सब लोग शादी की शॉपिंग करने गए थे, जहाँ पर अनुज कपाड़िया ने एक साड़ी पसंद की, सेम साड़ी जो है अनुपमा ने भी पसंद की, और इस दौरान दोनों आमने सामने हो गए। ये देखकर भी श्रुति को बहुत बुरा लगा। उसके बाद श्रुति ने अनुपमा को चिढ़ाने के लिए जाकर अनुपमा से पूछा कि अनुज के लिए कौन सा ड्रेस ले। तो भाई ये सब हो रहा है, अब श्रुति जो है वो आत्महत्या करने चाहती थी।